लंबे वक्त के बाद एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने टीवी पर बिग बैंग किया है। बिग बैंग यानी कि बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसमें उनका एक अलग और नया ही अवतार देखने को मिला है। जी हाँ, सीरियल ये है मोहब्ते में दिखाई देने वाली ईशी माँ अब बन गई हैं दुर्गा माँ। जी हाँ, अब हम दिव्यांका को ईशी माँ से दुर्गा माँ की उपाधि क्यों दे रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। दरअसल दिव्यांका ने लंबे वक्त के बाद सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल से वापसी की है। शो का प्रोमो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें दिव्यांका एक नई एनर्जी, नई कॉन्फिडेंट, जोशीली आवाज और जिस तरह से अन्याय के खिलाफ दिखी हैं, उससे दिव्यांका के इस नए अवतार में दुर्गा माँ की छवि साफ साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस बार क्राइम पेट्रोल कई मायने में खास रहने वाला है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस बार शो को होस्ट करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी ही हैं। जी हाँ, देखा जाए तो अब तक क्राइम पेट्रोल के सीजन्स को एक्टर अनूप सोनी ने ही ज्यादातर होस्ट किया है। हालांकि कुछ एपिसोड्स को दिवाकर पुंदीर, शक्ति आनंद, साक्षी तनवर ने भी होस्ट किया था, लेकिन इस बार शो का हिस्सा बनी है एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी। लंबे वक्त से दिव्यांका के फैंस उनके टीवी शो का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन दिव्यांका इस तरह से बुराई के खिलाफ आवाज उठाती नजर आएंगी ये शायद उनके फैंस ने भी नहीं सोचा था। यही नहीं बल्कि दिव्यांका इस बार शो के जरिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ती भी नजर आने वाली है। शो की थीम ही इस बार वुमेन अगेंस्ट क्राइम की रखी गई है। वही शो से जुड़े एक सोर्स ने एक पोर्टल से बातचीत में इस बात की जानकारी भी दी कि जो मामले सीरीज का हिस्सा होंगे वो न केवल भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अलग अलग अपराधों को दिखाएंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि कोई उनसे कैसे लड़ सकता है। एक नरेटर के रूप में दिव्यांका अलग अलग संकेतों के बारे में बात कर रही होंगी, जिसके बारे में इन मामलों के संदर्भ में सावधान रहना चाहिए। वो केस दायर करने के महत्व को भी बढ़ावा देंगी, क्योंकि इससे उन्हें कानूनी रूप से न्याय मिलने में मदद भी मिल सकती है। आपको बता दें कि क्राइम पेट्रोल टीवी इंडस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग क्राइम रियलिटी टेलीविजन सीरीज रही है। इसका पहला सीजन साल 2003 में ऑन एयर किया गया था और अब एक बार फिर से ये शो दस्तक दे रहा है 21 दिसंबर से सोनी टीवी पर रात 11 बजे से। लेकिन खास बात तो ये है कि इस बार भोली भाली ईशी माँ एक रौद्र रूप में नजर आने वाली है। आप दिव्यांका को इस शो में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।